जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास सबसे ही श्रेष्ठ मास माना जाता है। इस मास में की गई पाठ पूजा कोई भी उपाय देखे निष्फल नहीं जाता है। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मास में स्वर्ग के सभी देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं, जल में उनका वास माना जाता है। तुलसी पूजन का, दीप दान का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से जिन भी दंपतियों को देखे अभी तक कोई संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, और जिनको भी देखे पुत्र की कामना है तो वह अवश्य ही इस मास में इस उपाय को करें, निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कार्तिक मास सबसे ही श्रेष्ठ मास माना जाता है क्योंकि इसमें देखिए शिव परिवार का पूजन होता है, कार्तिकी का जन्म भी माना जाता है, और इसी में देखिए अहोई अष्टमी का व्रत होता है जो संतान की दीर्घायु को लिए संतान को देने वाला व्रत माना जाता है। साथ ही देखिए इसमें गोपा अष्टमी, आंवला नवमी, शिव परिवार का पूजन होता है, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का पूजन होता है। यह मास सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कार्तिक मास का पूरा महीना ही सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर में ही कर सकते हैं, आप किसी भी मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को देखिए स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर इस उपाय को करें तो सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं। आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को करना है। दोस्तों, आपको एक वट वृक्ष का पत्ता लेना है, बरगद का पत्ता लेना है, उसको धो लें और कुमकुम को आपको थोड़ा सा गंगा जल में घोल कर अपनी अनामिका उंगली से उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। उस पर स्वास्तिक बनाकर आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं, एक सुपारी रखनी है, एक गोमती चक्र रखना है और एक पीली कौड़ी रखनी है। साथ ही दोस्तों, आपको देखिए भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए एक बांसुरी और एक मोर पंख अवश्य ले, और उनको भोग लगाने के लिए आप चाहे तो माखन मिश्री ले सकते हैं या कोई भी मीठी वस्तु बना सकते हैं। घर में खीर बना सकते हैं या कोई भी मतलब मीठी वस्तु आप घर में हलवा बना सकते हैं। तो आप अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी ठाकुर जी के आगे इस उपाय को करें। दोस्तों, आपको उस पत्ते पर मतलब बरगद के पत्ते पर आपको ये सभी वस्तु यानी चावल, गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी सुपारी रखकर भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। अगर हो सके तो मोर पंख उनके मुकुट पर अगर आप चढ़ा सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो बांसुरी और मोर पंख को आपको उनके आगे अर्पित कर देना है। उनके आगे धूप दीप जलाकर आपको 11 या 21 बार संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही मैं तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता इस मंत्र का 108 बार जाप करें, नहीं तो 11 या 21 बार तो अवश्य ही जाप करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है, संतान की है, पुत्र की है, पुत्री की है, जो भी इच्छा है उसके लिए आप प्रार्थना अवश्य करें, और भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, नहीं तो जो भी वस्तु आपने बनाई है उसका भोग अवश्य लगाएं, उस पर तुलसी दल अवश्य डालें। कार्तिक का महीना देखिए सबसे ही श्रेष्ठ मास माना जाता है। तो इस मास में आप कभी भी अच्छे दिन में देखिए सारे ही दिन अच्छे हैं, तो आप किसी भी दिन या अहोई अष्टमी के दिन, गोपा अष्टमी के दिन, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस महीने में देखिए तुलसी के आगे दीपदान अवश्य करें, और जो भी आपकी इच्छा है संतान की तो आप संतान गोपाल मंत्र का डेली आप 11 या 21 बार उच्चारण अवश्य करें, देखना निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को